एक्चुअली में इंडिया में अभी हिप हॉप शुरू ही नहीं हुआ भाई, सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये, मतलब कुछ अब भी। देखो यार, 2013, 14, 15 ये एक ऐसा टाइम था जब हनी सिंह अपने करियर के पीक पे हुआ करते थे। आज की डेट में हनी सिंह का नाम सिर्फ और सिर्फ दो जगहों पे तुम्हें देखने को मिलेगा, पहला मीम पेजेस, दूसरा कंट्रोवर्सी। एंड अभी हनी सिंह का एक इंटरव्यू आया हुआ था जहाँ पे हनी सिंह ने बात करी है कि इंडिया के अंदर हिप हॉप ही नहीं स्टार्ट हुआ है। वाह, तुम देख सकते हो क्लिप। आई एम आल्सो नॉट अ हिप हॉप आर्टिस्ट, मैंने भी ये नहीं कहूंगा कि मैंने हिप हॉप शुरू किया इंडिया में। मैंने एक्चुअली में इंडिया में अभी हिप हॉप शुरू ही नहीं हुआ। कोई ऐसा लड़का आए जो अपनी बात करे अपने तरीके से और रैप करे और सच्ची बात करे और अपनी गरीबी को ना बेचे और अपने बड़े सपनों को दिखाए और पूरा करे, बहुत कमी है। किसी को डिस ना करे रैप बैटल में, उसको अपने आप को साबित करने की जरूरत ना पड़े, साइफर में धक्के ना खाए, वो होगा इंडिया का फर्स्ट हिप हॉप आर्टिस्ट। एंड आई गोना प्रोड्यूस दैट आर्टिस्ट। जो रैप कर रहे हैं लड़के इंडिया में, अगर उनमें से मैं चाहना चाहूँ तो मैं एमिवे के जो पुराने गाने हैं वो मैं सुनने बहुत पसंद करता हूँ। उसमें गाना है जंप कर, तो वो बहुत क्रेजी गाना है। वो मुझे बहुत, एमिवे में बहुत कैपेबिलिटीज हैं ऐसी कि जो हिंदुस्तान के हिप हॉप को शुरू कर पाए बड़े तरीके से। डेफिनेटली जब सोलो एल्बम आएगी तो अगले साल उसके बाद मैं सारी कोलैबोरेशंस खोल दूंगा, मैं सबके साथ काम करूंगा, बहुत सारे नए नाम, बहुत सारे। अब देखो यार, ये संगति का सर है, मतलब एमवी के साथ रह रहे कि हनी सिंह बाजी का भी दिमाग एमवी की तरह हो रहा है, बट यार फिर भी एमवी भी तो हिप हॉप कर रहा है ना, तो एमवी भी इंडियन हिप हॉप का पार्ट है। अब देखो यार, मैं तुम जो एमवी के फैंस है ना उनसे भी यही चीज पूछूंगा कि अगर इंडिया के अंदर हिप हॉप स्टार्ट नहीं हुआ तो एमवी इतनी बड़ी नाम और इतना बड़ा पहचान कैसे बन गया। एंड देखो यार, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मुझे हनी सिंह का ये इंटरव्यू पसंद नहीं आया, यहाँ पे मेरे को हनी सिंह की ये बात बहुत अच्छी लगी जहाँ पे उसने ये बोला कि वो एक हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं है। अब देखो यार, अगर तुम एक हिप हॉप सॉन्ग बना रहे हो ना तो ज्यादातर चांसेस ये होते हैं कि तुम लिरिक्स जो उसके लिख रहे होगे ना वो तुम्हारे खुद के लिरिक्स होते हैं। एंड अगर तुम गानों के अंदर लिरिक्स तुम्हारे खुद के एंड तुम इतनी मेहनत करके अगर गाना बनाते हो ना तो तुम उस गाने की कद्र करते हो, लेकिन अगर तुम वो गाना बना रहे हो जिसके लिरिक्स किसी दूसरे बंदे ने लिख दिया है तो तुमने करा क्या, बस बीट पे आके बोल दिया। और हनी सिंह के केस में जो लिरिक्स वाली बात है ना, वो सभी को पता है कौन लिखता है कौन नहीं लिखता। अब तुम देखो ना यार, मतलब रत्ती भर का भी दिमाग यूज नहीं करा ये बोलने से पहले कि इंडिया के अंदर हिप हॉप नहीं। अब इंडिया के अंदर हसल का पहला सीजन है, अभी हसल 2.0 चल रहा है, मतलब देख रहे हो हसल के दो दो सीजन आ चुके हैं। इतने सारे रैपर्स है तुम्हारे, जेट्रिक्स है, कृष्णा है, रफ्तार है, बादशाह है, एंड बहुत सारे अंडरग्राउंड आर्टिस्ट हैं, मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं। एंड जो मेन स्ट्रीम है डिवाइन, ये सब मतलब ये गुहियां छील रहे हैं बैठ के, कुछ नहीं तो मतलब इंडिया के अंदर हिप हॉप स्टार्ट नहीं हुआ है भाई। मतलब रत्ती भर का अगर दिमाग यूज कर लेते ना बोलने से पहले तो ठीक होता। तुम नहीं है इंडिया में हिप हॉप, तुम सोच रहे हो कितनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात बोल रहे हो तुम। अब देखो यार, ये बात अलग है कि जब तुम अपने करियर के पीक पे थे तो उस टाइम पे तुमने लिरिकल हिप हॉप या फिर इन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करा, सिर्फ लड़की दारू के ऊपर फोकस करा, जिसका कर्मा आज तुम्हें मिल रहा है कि आज की डेट में तुम्हें मीम पेजेस के अलावा और कोई नहीं पूछ रहा। देखो यार, आई नो कि वीडियो के अंदर मैं बहुत ज्यादा रूड हो रहा हूँ, बट देखो उसके पीछे का रीजन ही यही है कि इंडिया के अंदर हिप हॉप स्टार्ट नहीं हुआ। ये जो बात है ना भाई, इतना ज्यादा दिमाग खराब कर रही है और गुस्सा दिला रही है ना। अब देखो, ये थोड़ी दूर की बात है, चलो तुम्हारे जो करीबी है, इक्का पाजी है, लिल गोलू है, रागा हिप हॉप नहीं कर रहा, हरजस हिप हॉप नहीं कर रहा, एंड कितने सारे और आर्टिस्ट है। अबे डिवाइन वहां पे चला गया था ग्रैमी अवार्ड्स के अंदर में। अगर तुम अपने आप को एक कहते हो ना कि हिप हॉप आर्टिस्ट मैं नहीं हूं, तो हाँ भाई लोग एक्सेप्ट कर लेंगे कि तुम हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं हो, लेकिन अगर तुम ये बोलोगे ना कि इंडिया के अंदर हिप हॉप स्टार्ट ही नहीं हुआ, अभी कोई आके स्टार्ट करेगा, तो भाई तुम एक नंबर के बेवकूफ हो भाई। देखो यार, तुम्हारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े जो आर्टिस्ट है ना, जो रैपर्स हैं, वो भी आज की डेट में प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक के बदले कमर्शियल ट्रैक के ऊपर पे ज्यादातर फोकस करते हैं। अब ये मेरे को पता है कि कमर्शियल सॉन्ग के ऊपर पे एक नॉर्मल हिप हॉप ट्रैक से ज्यादा व्यूज होते हैं, बट अगर तुम प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक बनाओगे तो तुम ये देखो ना तुम्हारी ऑडियंस कितनी बड़ी है। भले ही तुम्हारे पास अगर 1 लाख ऑडियंस है तो एटलीस्ट 50,000 तो तुम्हारी प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक सुनेगी ना। अगर वो 50,000 सुनेगी तो वो तुम्हारे बाद और भी तो लोग को डिस्कवर करेंगे। एंड अगर ऐसा होगा तो जो इंडिया के अंदर हिप हॉप आर्टिस्ट वगैरह हैं तो उनको और ज्यादा फेम मिलेगा, एंड और भी नए नए आर्टिस्ट आएंगे जिससे इंडियन हिप हॉप और ज्यादा ग्रो होगा। एंड अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हनी सिंह जैसे और भी रैपर्स आके यही बोलेंगे इंटरव्यू में कि भाई मैं तो हिप हॉप आर्टिस्ट हूँ नहीं, एंड इंडिया के अंदर भी हिप हॉप ग्रो ही नहीं हुआ है। कोई आएगा, वो अपनी बात करेगा, ये करेगा, आर रोना करेगा, तब वो जाके एक हिप हॉप आर्टिस्ट बनेगा। देखो यहाँ पे बात रही अगर साबित करने की, तो ब्रो अगर हिप हॉप बैटल्स ही नहीं होंगे तो दोनों अपने आप को साबित कैसे करेंगे सामने वाले। अगर बैटल्स होते हैं तो उस टाइम पे जो बंदे होते हैं, जो सामने दो रैपर्स बैटल कर रहे हैं ना या फिर जितने भी कर रहे हैं, वो अपने पोटेंशियल को हिट कर रहे होते हैं, अपना 100% दे रहे होते हैं। एंड यही सेम चीज डिस्ट्रैक्ट के मामले में होती है कि जब तुम एक दूसरे को डिस कर रहे होते ना, तुम दोनों में से एक को जीतना होता है, एंड तुम में से एक तभी जीतेगा जब तुम दोनों अपना बेस्ट दे रहे होगे। एंड देखो यार, हिप हॉप का पार्ट ही है डिस्ट्रैक्ट और हिप हॉप बैटल्स। अगर तुम इन दोनों ही चीजों को हिप हॉप से हटा दोगे तो क्या पता सामने वाला बंदा जो अपने आपको सो कॉल्ड रैपर बता रहा है, क्या पता किसी और से राइटिंग करवा रहा है, घोस्ट राइटिंग करवा रहा है। देखो यार, इससे रैपर्स को भी कहीं ना कहीं फायदा होता है, क्योंकि
क्योंकि रैपर्स को पता चलता है ना कि भाई मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, मैं और कितना अच्छे से अच्छा लिख सकता हूँ। देखो यार, ये तुम्हारी कोई बात सेंस नहीं बनाती कि तुम बैटल मत करो, तुम डिस्ट्रैक्ट मत निकालो। देखो हनी पाज यार, वो 2014-15 का टाइम चला गया जब उस डेट में सिर्फ लड़की दारू करके लोग गाने बनाया करते थे। आज की डेट में जो लोग हैं वो समझदार हो रहे हैं, लोग को पता है कि एक्चुअल में हिप हॉप क्या चीज है, एंड लोगों को ये भी पता है कि इंडिया के अंदर हिप हॉप कितनी तेजी से ग्रो हो रहा है और कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है। एंड अगर रिस्पेक्ट की बात रही हनी पाज जी, तो देखो यार आपके लिए जो रिस्पेक्ट है ना वो बहुत अलग लेवल पे है मेरे लिए, ठीक है। मैं बहुत आपको रिस्पेक्ट देता हूँ, एंड मैं ही नहीं और भी बहुत सारे लोग देते हैं। एंड देखो यार, मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, इसीलिए मैं आपको यही चीज बोलूंगा, तो कृपया करके आप हिप हॉप का एमबीए चाय वाला मत बनिए, वरना क्या पता कि कहीं लेने के देने पड़ जाए। एंड आई नो कि अब कमेंट सेक्शन में आके मैं इसका बाप हूँ, वो उसका बाप है, हनी पाज जी इसके बाप है, ये शुरू होने वाला है। तो देखो यार, बस यही बोलूंगा कि हनी पाज जी अपने आपको तो हिप हॉप आर्टिस्ट नहीं मानते, बट अगर तुम अपने आपको हिप हॉप आर्टिस्ट मानते हो तो तुम करते रहो काम, क्योंकि इंडिया के अंदर हिप हॉप में भाई बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है, एंड तेजी से ग्रो हो रहा है, एंड इन फ्यूचर और अच्छा होगा। तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे एक चीज तो भूल गया, अगर मेरे से बात करनी है तो भाई इंस्टाग्राम पे आओ ना, या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिलेगी मेरे इंस्टाग्राम की, और पिन कमेंट में भी दे दूंगा। चलो आज वहीं बात करते हैं।